चैनल लक्ष्मी पूजा के बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ। लक्ष्मी पूजा वेडनेसडे को था, उसके बाद संडे है, मैं संडे को ब्लॉग बन रही हूँ और पता नहीं ये ब्लॉग कब पब्लिश करूंगी, क्योंकि जो आप लोगों ने अभी अभी देखा मैं पास्ता बना रही थी, पास्ता खिला रही थी, ये सब देखा आपने, ये मैंने सुबह को किया था। और अभी पता है रात के कितने बजे? अभी रात के 10 बजे है। 10 सुबह को मैंने वो शूट किया, उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया। क्यों शूट नहीं किया? क्योंकि मुझे वाटिको है। वाटिको पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, वाटिको से क्या होता है, स्पॉन्डलाइटिस से वाटिको होता है। वाटिको से क्या होता है, अचानक से सर घूम जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई आपको धक्का मार रहा हो। ये मुझे 1-2 साल पहले हुआ था, उसके बाद मैंने दवाई ली, उसके बाद और नहीं हुआ। अचानक आज फिर से मुझे खांसी है कुछ दिनों से, और बुखार भी था। लक्ष्मी पूजा के बाद ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी मुझे, और सुबह को इतनी ज़्यादा खांस रही थी। मुझे क्या ना होता है ना, मुझे कफ नहीं आता। एक से मैं ज़रा दरवाज़ा बंद कर लूँ, अगर दरवाज़ा बंद ना करूँ ना, जब बात करते करते बार बार मेरी मेरी आंखें उस तरफ जाती है, और मुझे कफ नहीं आता, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मुझे खांसी आती है। खांसी बिल्कुल जम जाती है, मेरी कफ बिल्कुल जम जाती है, तो इतना ज़्यादा खांसी आ रहा था। और खांसी से क्या हो रहा था, मेरे डायरेक्ट मेरे दिमाग में इफेक्ट हो रहा था खांसी का। खास इतना खांसी आ रहा था, अचानक से मैंने देखा कि मुझे चक्कर सा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी आ रहा था।
इसलिए मैंने और ब्लॉग शूट नहीं किया। उस सुबह का टिफिन करने के बाद से तबीयत बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। फिर शाम को मेरे हस्बैंड ने दवाई दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक केमिस्ट है, आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों ने मेरे मिल के, मेरे हस्बैंड एक केमिस्ट है, तो उन्होंने मुझे दवाई दी। तो दवाई खाने के बाद, पीने के सिरप दिया, एंटीबायोटिक दी, वाटिको की दवाई दी, उसके बाद अभी मैं अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और इसलिए मैंने पूरा दिन और ब्लॉग नहीं किया, बस इसी में ही चला गया, सब बिजी थे। आज का संडे मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया। संडे को हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज का संडे मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया। और मेरे बाल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी आया हुआ है मेरे बालों में, देखिए। पता नहीं है बाल में कैसे मेंटेन करूं, मैं एकदम, मेरे बाल इतने खराब हो गए थे कि इसलिए मैंने पूरा छोटा कर दिया। अभी इनको मैं मेंटेन ही नहीं कर पा रही हूँ, इधर से निकलते इधर से निकलते, क्या होता है। और एक और बात, आज है संडे और परसों यानी ट्यूजडे को, 30 अक्टूबर को मेरा बेटे का बर्थडे है, और अचानक से तय हुआ है कि हम लोग घर पे ही अपने बेटे का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरा बेटा 5 इयर्स का होने वाला है, इसलिए पहले हम लोग सोचा था कि जस्ट एक गेट टुगेदर करेंगे, लेकिन बोलते अब अच्छा खासा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसलिए मुझे तो ठीक, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होना है, क्योंकि मेरा बेटे का बर्थडे है ऑब्वियसली। इसलिए मैं थोड़ा मार्केट गई थी, मेरी बेटी के लिए एक ड्रेस लेने गई थी शाम को। मैं अपने बेटे के लिए ड्रेस लेने गई थी, एक मिनट में दिखाती हूँ। तो मैंने अपने बेटे के लिए मैं ये कुर्ता लाई हूँ। मेरे बेटे के पास कुर्ते हैं बहुत सारे, 3 4 कुर्ते होंगे, शेरवानी भी है, पर ऑब्वियसली बर्थडे है यार, तो बर्थडे बॉय के लिए नया ड्रेस तो बनता ही है। तो ये मेरे बर्थडे बेटे के लिए कुर्ता और पजामा, पजामा और क्या दिखाऊं, और ये मेरे हस्बैंड के लिए, अगर बेटा कुर्ता पहनेगा तो ऑब्वियसली पापा को भी तो कुर्ता पहनना चाहिए ना। तो ये मैं नहीं खोलूंगी, क्योंकि वो अभी घर पे नहीं, अगर मैंने खोल दिया तो शायद गुस्सा हो जाए, इसलिए मैं नहीं खोलूंगी ये आप ऐसे ही देखिए। और उस दिन अगर उस दिन तो जरूर मैं ब्लॉग तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उस दिन तो आप देखेंगे ही। और अभी मुझे क्या करना है, अच्छी खासी ठंडी पड़ गई है हमारे इसको, हमारे कोलकाता में और हमारे इस एरिया में, नॉर्थ 24 PGS में रहती हूँ, नॉर्थ 24 में, वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसे, काथा यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं। काथा को हिंदी में क्या बोलते हैं, बालापोश टाइप, काथा को क्या बोलते हैं पता नहीं, बालापोश बोलते क्या पता है, मुझे नहीं पता। तो काथा में वार भरना है मुझे अभी, तो ये वार भरूंगी, क्योंकि अच्छी खासी ठंडी में, चादर से भी ठंडी, ठंडी कैसे पड़ी है क्या बोलूँ, कैसा वेदर है, अभी गर्मी लगती है थोड़ा फैन छोड़ दो तो फिर ठंडी लगती है, ऐसे वेदर, इसलिए तबीयत सबकी खराब हो रही है। मेरी सासू माँ को भी बहुत ज्यादा खांसी है, मुझे भी बहुत ज्यादा खांसी हो गई, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अभी ये काथाओं में, इन काथा में मुझे भी वार भरना है, और बस यही करती हूँ। तो हो गया मेरा काथा में वार भरना कंप्लीट हो गया। आपको लोगों को सतलब लगता होगा क्या काथा है यार, क्या काथा, पर मुझे इसका हिंदी वर्जन नहीं पता, सॉरी। तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, और अभी मुझे चेंज करना है। और बाय द वे, कल मेरे बेटे का स्कूल खुलने वाला है, दुर्गा पूजा के छुट्टियों के बाद कल मेरे बेटे का स्कूल खुलने वाला है, फिर दिवाली को अगले अगले हफ्ते फिर छुट्टी हो जाएगी, तो कल मुझे स्कूल भी जाना है, उसको लेके बहुत दिनों बाद स्कूल जाना है। पता नहीं मैं कैसे उठूंगी सुबह, इतने दिनों आराम से सोई, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे नींद से उठती थी आराम से, कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, इतना मजा आता था। लेकिन कल फिर सुबह को उठना पड़ेगा, पता नहीं मैं कैसे करूंगी, वैसे भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, और पता नहीं इन बालों को मैं पागल पागल क्यों लग रही हूँ इन बालों में। तो मैं कल आपसे बात करती हूँ, तो ये ब्लॉग मैं कल खत्म करूंगी, तब तक के लिए। हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं आप सब,
कल रात को मैंने, जितना याद है मैंने कल रात को लास्ट आप लोगों से बात की थी, उसके बाद में बात नहीं किया मैंने। उसके बाद मैं सुबह को उठी, सीजीत को लेके स्कूल गई और उसको लेके स्कूल से वापस आई, फिर थोड़ा सो गई। ये करते करते बात नहीं कर सकी मैं आप लोगों के साथ, और अभी शाम के 7:30 बजने को आया तो सोचा अभी थोड़ा बात कर लूँ आप लोगों के साथ। अभी सीजीत को मुझे पढ़ाना है क्योंकि कल उसका बर्थडे है, तो उसकी पढ़ाई कल नहीं होगी, तो आज उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ। कल उसको स्कूल भी नहीं भेजूंगी क्योंकि स्कूल जाके आके उसके बाद थक जाता है बेचारा, बच्चा है छोटा, इसलिए कल उसको स्कूल नहीं भेजूंगी। शायद परसों भी ना भेजूँ उसको स्कूल। मैं नेल पॉलिश, देखिए क्या हो गया, अब मुझे नेल पॉलिश भी लगाना है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते नेल पॉलिश लगा लूंगी। और इस थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने दोपहर को शूट किया था, मैं हमारे घर के सामने पंडाल लग गया है, लोगों को खाने के लिए पंडाल लग गया है, वहाँ पे बैठ के लोगों को हम लोग बर्थडे को, कल ये पार्टी होगी यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, कल मज़ा भी आ रहा है, साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इतना बड़ा पार्टी हैंडल करना बहुत रिस्क का काम होता है, बहुत रिच नहीं क्या बोल रही हूँ, बहुत टेंशन का काम होता है कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा। वैसे भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, खांसी सर्दी लगी हुई है, और तो मैं अभी सीजीत को बुलाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, फिर जाके आपसे बात करती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों डर लग रहे हैं, ये आंखें पता नहीं क्यों सूजी हुई लग रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कल एक पार्टी है घर में और ऐसा मुंह लेके मैं सबके सामने जाऊंगी, सब आएंगे सज धज के बस अच्छी तरह से तैयार होके, और मैं ऐसे लगूंगी, पता नहीं ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे, और क्या करूं। तो कल मैं इस ब्लॉग के अभी यही खत्म करती हूँ, ये ब्लॉग बहुत ज्यादा बुरा बना है, मुझे पता है मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, बहुत ज्यादा खराब बना है, पर मैंने शुरू कर लिया था तो खत्म कर दिया, इसलिए मैंने जैसे भी तैसे हो मैंने खत्म कर दिया है। आप लोग अच्छा नहीं लगेगा मुझे पता है, फिर भी अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कल मिलूंगी मैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, अपने बेटे की, अपने बच्चे की फिफ्थ हैप्पी बर्थडे के साथ मैं अपने मैं मिलूंगी। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।